पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से परिचय। इसमें आपको बताए थे कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो शब्द है वो कहां से आया हुआ है जी, कंप्यूट शब्द से आया हुआ है। कौन शब्द से बना हुआ है? कंप्यूट से कंप्यूटर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समान, गणना करना या फिर शिक्षा होता है। और कंप्यूट क्या है? तो एक वर्ब है, क्रिया है, काम है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, लास्ट में ईयर लगा हुआ, यानी कि करने वाला, संगणक करने वाला। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है जी, संगणक करने वाला। इसके बाद आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाया गया होगा, कंप्यूटर क्या है, तो इट इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डिवाइस विच कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ टास्क बाय एक्सेप्टिंग डेटा। यानी कि कंप्यूटर क्या है, तो एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस है जो कि किसी भी तरह के डेटा को सॉल्व कर सकता है, किसी भी तरह के टास्क को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखवाया गया होगा वर्क्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का काम। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट करता है, किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और उसके बाद उस पर काम करता है प्रोसेसर के माध्यम से यानी सीपीयू के माध्यम से, और रिजल्ट देता है किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। ये सब इंट्रोडक्शन में बताया गया था। अभी जो दूसरा टॉपिक है वह है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का इतिहास, या फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास या क्रांति होता है। जैसे कंप्यूटर के इतिहास में, जैसे आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं और पहले का जो कंप्यूटर यूज करते थे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। पहले आप देखते होंगे पहले का जो डिवाइस है और आज का जो डिवाइस है, दोनों में अंतर होता है ना। पहले फोन से यूज करते थे, फोन यूज करते थे, आज मोबाइल है, स्मार्टफोन, हर चीज है इसमें अवेलेबल है, लेकिन पहले ऐसा अवेलेबल था नहीं। लगभग आपको कहना है 40-50 किलो का फोन आता था, वो भी वायरलेस नहीं होता था, बस मैं नहीं ना। तो पहले का जो कंप्यूटर है आज का जो कंप्यूटर है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो कंप्यूटर बनता था वो लगभग आपको 64 टन का कंप्यूटर बनता था, 64 टन, मतलब समझ रहे हैं ना, कितना होता है 1 क्विंटल, सॉरी 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है ना, तो सोच लीजिए कि क्या नाम 64 टन का कंप्यूटर होता था। और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आज जैसे हम क्या करते हैं, पॉकेट में या फिर बैग में कैरी कर लेते हैं, वैसा पहले पॉसिबल नहीं था। तो हम हिस्ट्री बहुत सारा नहीं जानेंगे, लेकिन कंप्यूटर जिस पर्पज से बनाया गया था, एक्चुअली में शुरू में जो कंप्यूटर बनाया गया था वह आपको सारे कामों के लिए नहीं बनाया गया। जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर का काम क्या है, जोड़ने घटाने का था ना, तो कंप्यूटर का भी काम केवल जोड़ने घटाने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है वह कंप्लीटली स्मार्ट हो गया है ना जी, उससे हम हर तरह के काम कर लेते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, कंप्लीटली स्मार्ट है ना। पहले क्या था, जो मोबाइल और टेलीफोन बनाया गया था केवल बातचीत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज क्या है, रेडियो भी उसी में है, आपको टॉर्च भी उसी में है, गेम प्लेयर भी उसी में है, बहुत सारे चीजों को वो हटा दिया ना। जैसे हम पहले क्या करते थे, गेमिंग का अलग डिवाइस होता था, लेकिन अब क्या करते हैं, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, मोबाइल से ही टॉर्च जला लेते हैं, ठीक है, वीडियो भी देख लेते हैं, टीवी का काम खत्म हो गया, बस वही है। यानी कि हमारा जो गैजेट है वो कंप्लीटली स्मार्ट हो गया है। तो पहले का जो कंप्यूटर था और आज का कंप्यूटर था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो कंप्यूटर जो बनाया गया था वह स्पेशली केवल जोड़ने घटाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहला जो डिवाइस आया हुआ था उसको क्या बोलते हैं, एबेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबेकस। इसमें लिखवाया गया होगा इट वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि यह संसार का सबसे पहला काउंटिंग डिवाइस था। इसके बाद फर्स्टली इट इन्वेंट इन चाइना एगो 2000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि सबसे पहले एबेकस जो है या डिवाइस जो है यह कहां बनाया गया था, चाइना में, चीन में बनाया गया था 2000 वर्ष पहले। क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए नहीं बनाया गया था, केवल जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद लिखा गया होगा कि देन स्प्रेड लेटर इन अदर कंट्रीज, यानी कि उसके बाद यह दूसरे देशों में फैला, यानी कि सबसे पहले एबेकस जो था वह जोड़ने घटाने के लिए चाइना में बनाया गया था। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब फैलना, और लेटर का मतलब क्या होता है, के बाद। एक लेटर अलग होता है और यह लेटर है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। बैठे जल्दी, ठीक है, यानी कि इसके बाद यह दूसरे देशों में फैला। एबेकस कंसिस्ट ऑफ 10 रड्स इन 1 वुडन फ्रेम, यह एक लकड़ी का फ्रेम था एबेकस, जिसमें 10 रड लगे हुए थे, एंड ईच रड कंसिस्टेड विद बीड्स, है ना, और इस प्रत्येक रड में बीड्स लगा हुआ था। ऐसा आप लोग स्लेट वगैरह में पहले आप देखे होंगे, स्लेट में दिया रहता है, ऐसा एक डिवाइस आता है, प्ले स्कूल वगैरह में जाइएगा ना तो ऐसा आपको दिखेगा एबेकस, ठीक है।
ठीक है, उसमें क्या होता है, तो एबेकस से हम कुछ अलग काम नहीं करते हैं, केवल जोड़ने घटाने का काम कर सकते हैं, काउंटिंग करने का काम करते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो आएगा, इट कंसिस्टेड विद बिट्स, इसमें बिट्स लगे हुए थे, इट यूज्ड टू फाइंड सिंपल एडिशन सबट्रैक्शन ईटीसी, यानी कि इससे हम जोड़ने घटाने का काम कर सकते हैं, सिंपली यही जान लीजिए। एबेकस ऐसा क्वेश्चन अगर आए आपको या कोई पूछे कि एबेकस क्या है, तो एक काउंटिंग का डिवाइस था जो कि सबसे पहले कहां बनाया गया था जी, चाइना में बनाया गया था, और इससे हम साधारण जोड़ने घटाने का काम कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए पास्कल कैलकुलेटर, दूसरा नंबर, इसको समझ लीजिए पहले, रुकिए। देखिए इसके फर्स्ट जो था आपको एबेकस हुआ था, सेकंड है पास्कल कैलकुलेटर, क्या है कौन सा कैलकुलेटर जी, पास्कल कैलकुलेटर, और इसमें लिखवाया गया है इट वाज इन्वेंट बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन नोन एज ब्लेज पास्कल, यानी कि इसको जो इन्वेंट किया था वह फ्रेंच के मैथमेटिशियन है, कौन थे जी, फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, कौन, इनको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लेज पास्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अपने ही नाम पर इन्होंने एक कैलकुलेटर का आविष्कार किया और उसका नाम रखा था पास्कल कैलकुलेटर। वो कैलकुलेटर आज की तरह स्मार्ट नहीं था, छोटा छोटा कैलकुलेटर था, बहुत बड़ा कैलकुलेटर था, ठीक है। और इसमें लिखवाया गया होगा कि ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनको हम ग्रैंडफादर के नाम से याद कहते हैं इनको, ही इन्वेंटेड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेम्ड पास्कल कैलकुलेटर, यानी कि इन्होंने एक प्रकार का कंप्यूटर तैयार किया था, इसको हम पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं। बोले ना कि उस समय कैलकुलेटर और कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर का भी काम जो था वो कैलकुलेटर का ही था, यानी कि जोड़ने घटाने का ही काम इसमें था। इट कंसिस्टेड विथ नंबर्स 0 to 9 ऑन देम, और इसमें नंबर का यूज किया गया, जैसे एबेकस में कोई काउंटिंग करने के लिए नंबर यूज नहीं किया गया था, उसपे केवल हमको जैसे 1, 2, 3 लिखना होता था, केवल लाइन खींचते थे, ठीक है। और यह जब यूज किया गया इसमें 0 से लेकर 9 तक मतलब डिजिट्स यूज किया गया था, ठीक है। और जो पहले वाला पुराना रिसीवर फोन देखे थे ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के डायल किया जाता था, देखे हैं फोन में, सॉरी फिल्म में देखे होंगे आप लोग, तो वैसे ही इसमें डायलिंग करने के लिए ऐसे घुमा घुमा के नंबर इनपुट किया जाता था और जोड़ने घटाने का काम इससे होता था, कोई दिक्कत। इससे हम साधारण जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना कर सकते थे। चलिए अब आगे लिखिए, चार्ल्स बेबेज मॉडर्न कंप्यूटर, देखिए इसके बाद है चार्ल्स बेबेज मॉडर्न कंप्यूटर, क्या है जी, चार्ल्स बेबेज का मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि इसके बाद जो है आधुनिक कंप्यूटर तैयार हुआ। इसमें लिखवाया गया ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो थे वो आधुनिक कंप्यूटर के क्या माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। फर्स्टली ही इन्वेंट एनालिटिकल इंजन इन ईयर 1822, यानी कि सबसे पहले इन्होंने एनालिटिकल इंजन 1822 ईस्वी में तैयार किया, देन ही इन्वेंट डिफरेंस इंजन इन ईयर 1833, और उसके बाद यह कोई इंजन का नाम नहीं है, यह कंप्यूटर का नाम है, जैसे आज के कंप्यूटर का नाम लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, ये सब है ना, तो वैसा ही जो आपको 1822 में या 1833 में जो भी कंप्यूटर बना हुआ था उसको एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन ये सब कहते हैं, ठीक है। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे, यानी कि कंप्यूटर के ब्रीफ हिस्ट्री में, संक्षिप्त इतिहास में यह मान लीजिए कि सबसे पहले कैलकुलेटर आया था, सॉरी एबेकस आया हुआ था, क्या आया हुआ था जी, एबेकस, जिसका आविष्कार कहां हुआ था, चाइना में 2000 वर्ष पहले। उसके बाद जो है आपको कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है, और तब जाके कंप्यूटर का निर्माण हुआ। अब कंप्यूटर जो बना यह कैसा था पहले और अभी कैसा है, यह आप नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको क्लियर उसमें हो जाएगा कि पहले का कंप्यूटर और आज का कंप्यूटर कैसा था, ये सब डिटेल है। लिख लिए सभी लोग, चलिए यहां ध्यान दीजिए,
हिस्ट्री के बाद अब जो तीसरा टॉपिक है वह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा टॉपिक है जी? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी। क्या होता है जी? पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी कह लीजिए या युग कह लीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर जो भी डेवलप हुआ पहले और आज, तो यह जनरेशन बाय जनरेशन डेवलप हुआ है। पहले का कंप्यूटर और आज का कंप्यूटर दोनों में बहुत अंतर है। तो इसको हम पांच कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं? पांच। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि हमने यह बताया था कि कंप्यूटर में कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करता है किस डिवाइस के माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। किस डिवाइस के माध्यम से? इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद उस पे काम करता है किसके माध्यम से? प्रोसेसर के माध्यम से। प्रोसेसर के माध्यम से, ठीक है, यानी कि जो भी उसका मेन ब्रेन होता है उससे करता है। और उसके बाद रिजल्ट देता है किसके माध्यम से? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। जैसे अगर आपसे भी कोई काम अगर लिया जाए तो सबसे पहले उस काम को फॉलो कीजिएगा ना, यानी इनपुट करिएगा इनपुट डिवाइस के माध्यम से। फिर उसके बाद काम, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, तो हम बोलेंगे दो और दो क्या होता है, तो आप जो है उसको इनपुट करिएगा तब तो फॉलो कीजिएगा, दिमाग में डायरेक्ट चला जाएगा नहीं, पहले उसको इनपुट करेंगे, कान से सुनेंगे अच्छा आंख से देखेंगे। ठीक है, तो कान और आंख से इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद कान उस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करता है। यह जो 2+2 अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो इसको कान सॉल्व करेगा नहीं, यह सॉल्व किसके द्वारा होगा? ब्रेन के द्वारा। यानी कि हमारा प्रोसेसर ये है, दिमाग है, यही से सॉल्व होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? रिजल्ट देते हैं किसके माध्यम से? आउटपुट डिवाइस, लिख के दे, हाथ से दे या फिर बोल के दे। ठीक है, तो कंप्यूटर भी जो है कोई भी काम करता है तो सबसे पहले इनपुट करता है। क्या करता है जी? इनपुट। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है ना, मान लीजिए हमको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है दो और दो है, तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो कीबोर्ड ही सॉल्व नहीं करेगा, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को कीबोर्ड सॉल्व करेगा जी? नहीं करेगा। हाँ, वो इनपुट करेगा। ठीक है, ना ही जो स्क्रीन है स्क्रीन सॉल्व करेगा। तो कंप्यूटर का में भी एक ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जी? सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये केवल सीपीयू ही ब्रेन नहीं है, वैक्यूम ट्यूब भी ब्रेन है, ट्रांजिस्टर भी ब्रेन है, आईसी भी ब्रेन है, और उसी कैटेगरी में कौन सा ब्रेन है? सीपीयू। तो अभी हम कौन सा ब्रेन यूज करते हैं जी? सीपीयू यूज करते हैं। ये सब पहले का ब्रेन, जो पहले का कंप्यूटर रहता था ना, तो उसमें पहले ये ब्रेन यूज होता था, ये यूज होता था, ये यूज होता है, लेकिन अभी जो ब्रेन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, या इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं। बहुत सारा नाम है इसका, इसको सिलिकॉन चिप भी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह ब्रेन का नाम है। तो उसी तरह ब्रेन कहिए या इसको प्रोसेसर कहिए, इसके विषय में एक दिन इसके लिए स्पेशल क्लास चलेगा सीपीयू का, जिसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया हुआ था 1940 और 1955 में, यह पूरा डिटेल में अभी नहीं लिखा गया। ठीक है, यह ये कोई ईयर जो है एग्जैक्ट नहीं है, 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, एक एक माना गया है, इसको एग्जैक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी कहेंगे कि अभी क्या चीज का युग है, मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है, तो कैसे मानिएगा? दोनों चल रहा है, तो कहीं कैलकुलेटर का यूज, ऐसा थोड़ी है कोई जनरेशन कोई आता है तो एक ही बार बंद हो जाता है सब जगह, होता है ऐसा जी? मान लीजिए अगर आप i5 अगर प्रोसेसर भी यूज कर रहे हैं, तो अगर नया लेटेस्ट में आ गया, अगर मान लीजिए आपको क्या i9 आ गया सपोज करिए, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि i5 बंद हो जाएगा। तो कहीं कैलकुलेटर के रूप में यूज किया जाता था, कहीं कंप्यूटर के रूप में यूज किया जाता था, इसलिए हर बुक में अलग अलग दिया रहता है, इसलिए इसको एक एग्जैक्ट माना नहीं गया है, एक लगभग में अप्रोक्स मान दिया गया कि 30 और 45 के बीच में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वैसा कंप्यूटर जो कि 1940 और 55 के बीच बना था उसको हम फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं, 1956 और 60 के बीच बना था उसको क्या नाम होगा? सेकंड जनरेशन कहते हैं, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में 1961-70, सबके बारे में डिटेल में लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ जनरेशन 1970 और टीलिन यूज माना गया है, और इसको प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम का जनरेशन माना गया है रोबोट को, जो अभी भी यूज किया जा रहा है और अभी फ्यूचर में इसको डेवलप किया जाएगा। बस मेरी ना, तो यह आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, आज के लिए रहने दीजिए।